रमेश चंद्र मिश्र संपादक त्रिधारा साहित्य संसद गोइंडा अंगुल बर्तमान शुणी आपण को निजस्व भावानुवादित श्रीमद भगवत गीतार भावानुवादित द्वितीय अध्याय सांख्य योग शुणु सांख्य योग संजय उवाच सजल चक्षु व्याकुल हृदय आत्मीय मोहे जर्जरित पार्थ बदने दृष्टि ढाली सुमधुर हास्य अधरे खेलाई कोमल कंठे सखा को संबोधि पूछा कले बनमाली विस्मय लागे अर्जुन देखी तुम ठारे आज आत्मीयतार मोह श्रेष्ठ पुरुषे अनासक्त जही स्वर्ग प्राप्ति रे प्रतिबंधक कीर्तिकर जानु जाग सखा जाग त्याग एकलिवता तुम ठारे हा जमा शोभा पाए नाही क्षुद्र विचार दुर्बल चिंता त्याग करी धनुधर शत्रुजित ही तुम पौरुष को जगत रही जाए अर्जुन उवाच कह कह सखा केमिति लड़ी पितामह भीष्म कुलगुरु द्रोण सहित भूलिजी किबा असरती स्नेह समादर नाराच बिंधी पूजास्पद शरीर उचित मणई बध करी राजश्चर्य भोग ठारू भिक्षान्ने बंचिबा जीवन ही श्रेयस्कर गुरु गुरुजन रक्तसिक्त अर्थ कामनार भोग सामग्री मान भोगिबा कि नुह मधुसूदन ही मोह पक्ष पाप घोरतर आसन्न युद्ध रे जय पराजय बुझिपारे ना केउटी मो पाई प्रयोजनीय मुआगरे उभा धार्तराष्ट्र गण संग्राम पाई चाहे ना मु किंतु आपणा हस्ते सेमानंकर विलय अज्ञान मुहि मूढ़मति सखा धर्मर तत्व बुझे ना जाने ना कृपा करी कुह जहीरे मोहर मंगल हेब कंज चरणी शरण नेउछि मुहि जेतिकी बुझई जेतिकी जानई शुण शुण सखा जेउ युद्धरे विजय आमर लक्ष्य बिंदु विजय नुहे ए आत्मीय मेध प्रलय यज्ञ तुदे जगाइब पश्चाताप शुकर अथल सिंधु सुखत भोगिले बांधव सह मन हुए उच्चाटन बंधु विहीन महिपति पदे कि लाभ हेब स्वर्ग राज्यर अधिपति पद मिलिले भी सखा दुख शोकर उत्ताल ढेउ डुबाई देव संजय उवाच शत्रु छाती रे कंपन आणे दुर्जय जेउ महावीर अर्जुन करिबि नाहि मु संग्राम बोली स्पष्ट सुनाई रथे बसी गले होई मौन समर भुईरे दुई सेना देखि पार्थे ग्रासिला काहू ए विषादपण पछघुंचा देखि सखारे कृष्ण हास्य धरे भासन्ति धीरे वचन वृथा पांडित्य देखा उच्छ सखा शोक पाई योग्य नुहंती जे जन तुम पाई सेवानंक पाई शोक कर किया आपणा लोकर जीवित बा मृते पंडित शोक करंती नाही आगरु थिली मु थिल भी तो तुमे थिले ही राजा महाराजा एबे भी अछंती आगकु भी थिबे काल काल पाई थिबो राज्य पुणी थिबे तो प्रजा कौमार कैशोर जौवन जरा आसे शरीर रे क्रम अनुजाई जेउ परी धरारे जीव घट बदलाए पुरुणा को छाड़ी नुआ अपणाए जानती बोली तो पंडिते सत्य विषादे हुंती नाही घरी इंद्रिय संगे विषय देख केमिति कुशले संजोग होइअछि सेतिपाई सिना शीत उष्मर सुख दुखर अनुभव हेउअछि सबु अवस्थार लय ओ विलय जतने विधाता खंजिछि एई धरा तले चिरस्थायी नुहे केही चिरस्थायी केही नुहे संसारे सुख दुख समय घेनिबा आमर मन तले सुख दुख आउ उष्म शीतल समज्ञान करे जितेन्द्रिय जेउ जन अमृत भोग भाग्य ताहार समादरे ताकु दियंति आसन विश्व पंडित गण सत्यर विलय हुए नाही केबे जल बिंब भली असत्य अलिक दुनिया रे अविनश्वर आत्मार स्थिति जुगे जुगे थाए महाशून्य रे शरीर असत्य बोली सिना सखा किसी काल रही मृत्यु को थाए अनुसरी तत्वज्ञानी ए साधनार सिद्धि तप फल श्रुति मरलोके ज्ञान उन्मेष पाई जाई अछंती भीतरी
सचराचर जीवन जड़े सबुठी आत्मार स्थिति व्यापी रही थाए सूक्ष्म आत्मा अविनश्वर त्रिभुवने नाही शक्ति कहार विनाश करिब जिए नित्य अविनाशी प्रमाण रहित आत्मारे नुहे देहर विनाश होइथाए जिन्न शरीर बरजी जीवात्मा नुआ शरीर को बार बार लोड़ी थाए मनर विषाद कालीमा को पछि उठ सखा उठ युद्ध कर कृत साम्राज्य पाइबा को पुणी दुर्जय तुम गांडीव धनु तोलीधर हत्याकारी जीए कहे आत्मा को आउ कहा द्वारा आत्मा होइछि हत अज्ञता राहु आछन्नतांकर मानस पटे आत्मा केबे भी हत्या करे ना हुए ना हत जन्म मरण नाही आत्मार नाही वृद्धि पुणी हुए नाही केबे क्षय जन्म रहित नित्य शाश्वत चिर सनातन छुए नाही मृत्यु आत्मा को केबे शरीर सिना हुए विलय मने घेन सखा अविनाशी आत्मा चिर शाश्वत नित्य वर्तमान जन्म रहित जेते बेले किए बा पुरुष एड़े बलशाली करिपारे अबा कराइबी पारे आत्मा को हत्या केते बेले जिन्न वस्त्र को त्याग करी जेन्हे नूतन वस्त्र आदरे मनीष जाति जिन्न शरीर त्याग करी आत्मा नूतन शरीर समादरी नहीं करे राजुति हाणी पारे नाही आत्मा को शस्त्र प्रखर अग्नि पारे नाही केबे जाली भिजाई पारे ना सलील ताहाकू अणचास वायु पारे नाही जमाटाली अछेद्य अदाह्य अक्लेद्य शस्य आत्मा ही सदा शाश्वत अविनश्वर अचल अटल स्थाणु सनातन सर्वव्यापी से अनादि अजय सचराचर इंद्रिय गोचर नुहे आत्मा चिंतार सीमारेखा सरहद आर पारे विकार रहित जेणु तुम्हें सखा विषाद कहीं शोक ठारू रह बहु दूरे नीति जन्म किबा नीतिमृत बोली आत्मा महिरे जदि अबा मन करुथाओ हे महाबाहु तथापि शोकरे अधीर न होई सुस्थिर मने रह रह जन्म जे हुए यही धरा तले मृत्यु ताहार होई थाए सुनिश्चित मृत हेला परे जन्म लभई जन्म मृत्युर खेल चले अविरत मरणशील ए दुनिया रे सखा विधि निर्दिष्ट घटनाए परानीति दिनर मौलिक जीवन मायापाश काटी परिहर शोक धनुधर सखा धनुधर जन्म पूर्वरु मृत्युर परे जीवात्मा अदृश्य अव्यक्त होइथाए जन्म उपरांते प्रकटित खाली तेणु ताहापाई शोक भी उचित नुहे आत्मार कथा भारी विस्मय तथ्य यार सहज बुद्ध नुहे आश्चर्य रूपे देखती केतक किए बा परम आश्चर्य बोली कहे आत्मार तत्व शुणु शुणु किए चाह रही थाए गभीर विस्मय केतक पक्षे आत्मास्वरूप शुणा पर भी अचिंत्य अबोध्य मानस पूरे सभीं शरीर रही आत्मा अदृश्य भाव अजर अमर हो मिछय शरीर विलय भजिले अज्ञान भली क्रंदन कर कहींपाई अन्य दिग को समीक्षा करे क्षत्रिय कूले होई जन्म तुम युद्ध ही तुम कौलिक वृत्ति संस्थापा को दुनिया रे सत्य धर्म केते भाग्यवान सखा सते तुमे सौभाग्य तुमर आसी आपणा छाई मुक्त होई सरग दुआर युद्ध तुमर विजय गीति गाए भावुच्छ कि मने करिबनि युद्ध क्षत्रिय होई मुहरे भूलिब धर्म निज धर्म ओ कीरति नाशरे पाप भागी हेबो केमिति बा भला दूरेइब तुम कर्म मरिए गाइबे अपजस तुम काल काल पाई निंदा रटिब मही तले प्रतिष्ठा तुमर कलंकित हेबो मृत्यु जंत्रणा केते मात्र या तुलनारे भयभीत होई युद्ध क्षेत्ररु जीवन लोभरे पलायन कल बोली रटिबे निंदा आउ किछि तुम प्रशंसक निचमना बोली दुखरे देवे गाली बलि जीवनी कि दुख तुमर शुणब जे बेले अरिमुख तुम निंदावाणी कापुरुष मुख शुणी कुवचन हेब ना कि हे विरोचित तुम हृदय हाणी हत हेले युद्धे भोगिब स्वर्ग जयलाभ कले लभिब एव सुंदरा उठ
ଉଠ ପାର୍ଥ ସଂକଳ୍ପନୀୟ କ୍ଲିବତା ତେଜୀ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ତୁମେ ହିଁ ପରା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ଜୟ ପରାଜୟ ସମାନ ଭାବରେ ମନରେ ନିଅ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର ଧନଞ୍ଜୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ପାପ ହେବ ନାହିଁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଗୁଢ଼ ଜ୍ଞାନ ପାର୍ଥ କହିଦେଲି ତୁମେ ପ୍ରିୟ ସଖା ମୋର ଯେଣୁ କର୍ମଯୋଗର ତତ୍ତ୍ୱ କହିବି ତୁମ ଆଗେ କର୍ମବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାମନାବିହୀନ କର୍ମଯୋଗରେ ଆରବ୍ଧ କର୍ମେ ନିଷ୍ଫଳତା ଥାଏ ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ହୁଏ ନା କଦାଚିତ୍ ସଖା ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଚରଣେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ତାହାକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ କର୍ମ କରଇ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିକୁ କରି ଆଗୁସାର ସକାମ ଯୋଗୀର ଚିତ ଚଞ୍ଚଳ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ତାହାର ସହସ୍ର କର୍ମୀ ତତ୍ପର ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ପରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଅନେକ ପଡ଼ିଅଛି ସକାମୀ ଭକ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଥଚୟନରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି ନିଷ୍କାମ ଯୋଗୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ମନରେ ପୋଷଣ କରେ ନା ଯେଣୁ ମାର୍ଗ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସହଜ ଲବ୍ଧ ହୁଏ ତାହା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ତେଣୁ ବେଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସାଜନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶଂସକ ଆନ କର୍ମରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କହନ୍ତି ସଖା ହେ ବଡ଼ ଅବିବେକୀ ଲୋକ କାମନା ବାସନା ଆକୁଳ ଚିତ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ନେଇ ସକାମ ଯୋଗୀଟି ବିଧିବିଧାନରେ କର୍ମ କରେ ମନେ ରଖି ଆଶା କର୍ମର ଫଳ ଜୀବ ପାଇ ପ୍ରଶଂସା ମୋହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ କାମନା ପାଶରେ ସକାମ ଯୋଗୀ ସମାଧି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିତ ଅସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଯେଣୁ ହୋଇପାରନ୍ତିନି ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଭୋଗୀ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର କଥା ବେଦର ସଂହିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗ କର୍ମକାଣ୍ଡର ସନ୍ନିହିତ ସବୁ ମୂଳ କଥା ଆରଣ୍ୟକ ଆଉ ଉପାସନା ଭାଗ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ ତାକୁ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାଧାରଣରେ ବେଦ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ କର୍ମକାଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସଂସାରୀଟିଏ ବିଷୟ ବାସନା କାମନା ଜର୍ଜର ଫଳ ପାଇଁ ନାନା ଜାଗଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରେ ମନେ ଆଶା ରଖି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବା ଜୀବ ପାଇ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବୁଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ ତ ରହିଛି ସହସ୍ରାଧିକ